और अब शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की शारदीय नवरात्र के पहले दिन यूपी के मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर के शक्ति मंदिर में मां दुर्गा की उपासना की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां कलश स्थापना भी किया। शारदीय नवरात्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ 9 दिन तक रोज उपवास करेंगे और इस दौरान वो सिर्फ दूध और फल का ही सेवन करेंगे। नवरात्र के पहले दिन अपने उपवास के बीच सीएम योगी वाराणसी से गोरखपुर पहुंचे। इसके बाद सीएम ने यहां गोरखनाथ मंदिर में आयोजित नवरात्र पूजन में हिस्सा लिया। फिर 2 घंटे तक विधि विधान के साथ पूजन समारोह को पूरा किया। आगे बढ़ेंगे इससे पहले, इस बीच बड़ी खबर मिल रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर में दूसरा दिन, शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन करेंगे पूजा अर्चना। आज मां ब्रह्मचारिणी की करेंगे पूजा अर्चना और सीएम योगी इसके अलावा कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। तो आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और लगातार 9 दिनों का व्रत भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने रखा है। कल से ही नवरात्रि का पर्व शुरू हो गया। कल पहले दिन भी वाराणसी पहुंचे, उसके बाद गोरखपुर पहुंचे, जहां पर मंदिरों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा की। और शारदीय नवरात्र के पहले दिन पूजा करने के बाद आज दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की भी पूजा अर्चना करेंगे। कई कार्यक्रम बताए जा रहे हैं जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ हिस्सा लेंगे। तो नवरात्रि के दूसरे दिन भी पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गोरखपुर के दूसरे दिन सीएम पूजा अर्चना करते हुए दिखेंगे, क्योंकि 9 दिनों तक व्रत रखते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दूध और फल का ही 9 दिनों तक वो सेवन करते हैं। इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ महाराजगंज के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 18 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की है। गौ आश्रय स्थल के निर्माण के लिए एक परियोजना का यहां पर लोकार्पण है और एक परियोजना जिसमें गौ आश्रय स्थल, 4 गौ आश्रय स्थल मधोलिया में बनेंगे, इसका शिलान्यास का कार्यक्रम भी यहां पर होने जा रहा है। लेहरा देवी मंदिर में भी लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास होने जा रहा है। साथ ही साथ फरिंदा वृंदावन मार्ग, ब्रिजमन गंज मार्ग से लेहड़ा देवी मंदिर तक के मार्ग के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के कार्य का 5 करोड़ 60 लाख रुपए की इस परियोजना का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हो रहा है। भाइयों बहनों, आपने पिछले 2.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य पद्धति को देखा है और 5 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी की कार्य पद्धति को भी देखा है। पहले 5 वर्ष में गरीब कल्याणकारी योजनाओं और विकास के बड़े बड़े परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का रहा, तो दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने और भारत की ताकत का एहसास दुनिया को कराने के अभियान को आगे बढ़ाया है। भारत के अंदर हर एक नागरिक के चेहरे पर खुशहाली लाने और उनके जीवन में व्यापक सुधार करने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, ये उसका हिस्सा है, उसी का परिणाम है। पहली बार हुआ जब बिना भेदभाव के हर गरीब को मकान मिला है, हर गरीब को शौचालय मिला है, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन दिया जा रहा है, हर गरीब को रसोई गैस का कनेक्शन दिया गया है या दिया जा रहा है,
हर गरीब को राशन कार्ड और हर गरीब को उसकी क्षमता के अनुरूप पेंशन की सुविधा से आच्छादित किया जा रहा है। हर गरीब को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपए सालाना देने की व्यवस्था की जा रही है, तो हर गरीब को 5,00,000 रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवरेज दिया जा रहा है। आजादी के बाद इस देश के अंदर हर नागरिक इस बात का विश्वास करता था कि इस देश में एक निशान, एक प्रधान और एक विधान होगा। आजादी के 70 वर्षों के बाद जो कार्य नहीं हो पाया वो मोदी जी ने करके दिखाया। जब कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करके इस देश के अंदर एक साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लेकर के एक प्रधान, एक निशान और एक विधान की परिकल्पना को भी साकार किया। 3 तलाक की कुप्रथा से मुस्लिम महिलाओं को मुक्त करके उनके जीवन में भी खुशहाली लाने का कार्य किया। यह आस्था का सम्मान है, भारत की वास्ता, जिसने सम और विषम परिस्थितियों में भारत को भारत बनाए रखा, जिसने हर उन विपरीत परिस्थितियों और झंझावतों का सामना करते हुए भी भारत के आन मान और शान की रक्षा करने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को सदैव तैयार किया। आज उसी श्रृंखला में हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मुझे प्रसन्नता है कि जनपद महाराजगंज तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अंतर्गत भी यहां की 3 नगर पंचायतों को लिया है, जिसमें फरिंदा है, सुनौली है और घुगली है। राशन का जो पैसा आए उस पैसे का दुरुपयोग न होने का है, उस पैसे का सही सदुपयोग हो। वह पैसा जिस कार्य के लिए है वह पैसा उसके लिए 100% उसी पर लगे, उस पैसे का बंदर बांट न हो, यह जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनमानस की भी होनी चाहिए। और आम जनमानस जिस दिन इस जागरूकता के साथ काम करने लग जाएगा उस दिन विकास की योजनाओं में कोई बंदर बांट नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, सरकार आपके विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, आपके हितों को संरक्षण देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विकास की योजनाओं को अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाना और विकास की योजनाओं में आप सबको शामिल करना, ये हम सबकी पूरी प्रतिबद्धता है। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।